हेलो एवरीवन, मैं अंशुल गुप्ता आप सभी का स्वागत करता हूँ क्रिस क्रॉस क्लासेस में। क्लास 12th की पॉलिटिकल साइंस डिस्कस करने जा रहे हैं भाई। चैप्टर नंबर हमारा होने वाला है ये चैप्टर नंबर 6, लोकतांत्रिक व्यवस्था का संकट। चैप्टर 5 हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, उसकी वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी और प्लेलिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मंडे से सैटरडे रेगुलर क्लासेस चल रही हैं तो उन्हें चेकआउट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। डिटेल नोट्स का लिंक आपको हमेशा की तरह डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और क्विजेस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नोट्स और अदर कंटेंट, चाहे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो या लास्ट ईयर के पेपर, सब आपको मिलेंगे हमारी वेबसाइट crisscrossclasses.in पर। तो आप फटाफट से गूगल पे सर्च करके crisscrossclasses.in विजिट कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं भाई हमारे चैप्टर नंबर 6 में क्या क्या पढ़ना है हमें। चैप्टर नंबर 5 में हमने पहले 5 आम चुनावों के बारे में पढ़ लिया था भाई। पहला आम चुनाव जो कि 1952 में हुआ था, दूसरा जो कि 57 में हुआ था, तीसरा 62 में, चौथा 67 में और पांचवा जो कि 71 में हुआ था, इन सब के बारे में हम पढ़ चुके हैं। ये दोनों चैप्टर इंटरकनेक्टेड हैं, तो अगर आपने नहीं देखे अभी तक तो एक बार देख लें, तभी आपको चीजें क्लियर होंगी। उन चैप्टर्स के बिना, यानी पिछला वाला चैप्टर देखे बिना, इसमें आपको डाउट्स बने रहेंगे। तो लोकतांत्रिक पुनरुत्थान नाम भी है कुछ बुक्स के अंदर, तो चाहे ये हो या लोकतांत्रिक व्यवस्था का संकट, दोनों का मतलब सेम ही है भाई। देखते हैं क्या क्या पढ़ना है हमें। पढ़ना है 1971 के चुनाव के बाद क्या हुआ। 1971 के चुनाव तक हम इससे पिछले वाले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। 1971 के चुनाव के बाद क्या हुआ ये पढ़ेंगे, फिर आपातकाल के बारे में पढ़ेंगे और आगे के टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। दो पार्ट्स के अंदर चैप्टर हमारा फिनिश हो जाएगा। तो देखते हैं भाई 1971 के चुनाव के बाद, तो जैसा कि हमने पिछले पार्ट में पढ़ा था कि भाई 1971 के चुनावों में इंदिरा गांधी की कांग्रेस ने जबरदस्त प्रदर्शन करते हुए वापसी की और कांग्रेस का पुनर्स्थापन हुआ। अब जो आने वाला समय था, अब वो कांग्रेस और साथ ही साथ भारत दोनों के लिए समस्याओं से भरा हुआ रहा। तो आखिर 1971 के बाद हुआ क्या, तो देखते हैं जरा क्या क्या समस्या आई। 1971 के बाद जो सबसे पहली समस्या आई वो थी देश की आर्थिक स्थिति को लेकर। अब बांग्लादेश युद्ध हुआ था भाई 1971 में, पता है हम सबको, हमने पहले चौथे चैप्टर के अंदर पढ़ा है इसके बारे में। तो 1971 में हुआ बांग्लादेश की वजह से भारत और पाकिस्तान का युद्ध। तो बांग्लादेश युद्ध के कारण भारत की अर्थव्यवस्था पर जोर पड़ा, क्योंकि हमें बहुत सारा खर्चा सेना पर करना पड़ा। लगभग 80 लाख शरणार्थी भारत आ गए जिनका दबाव भारतीय अर्थव्यवस्था पर पड़ा। तो बांग्लादेश से लगभग 80 लाख लोग भागकर कहां गए भाई, भारत में आ गए, जिससे भारत की अर्थव्यवस्था पर जोर पड़ा। अमेरिका ने भी भारत की मदद करना पूरी तरह से बंद कर दिया, क्योंकि आपको याद होगा कि 1971 में भारत ने क्या किया था, यूएसएसआर से 20 वर्षीय मित्रता की समझौता किया था, संधि की थी, जिस वजह से अमेरिका ने भी भारत की मदद करना बंद कर दिया भाई। भारत के अंदर विकास की गति धीमी हो गई, अंतरराष्ट्रीय बाजार में तेलों की कीमत में वृद्धि हुई, तेल की कीमत वगैरह में वृद्धि हुई, जिस वजह से देश में महंगाई और ज्यादा बढ़ गई। अब देखो होता क्या है कि जब भी तेल की कीमत बढ़ती है तो हर जगह महंगाई बढ़ जाती है, क्योंकि आपके आसपास की जितनी भी चीजें हैं सब कहीं ना कहीं से ट्रांसपोर्ट होकर आती है, और ट्रांसपोर्टेशन में क्या लगता है भाई, तेल लगता है, पेट्रोलियम डीजल का यूज होता है। तो तेल की कीमत बढ़ती है, परिवहन की कीमत बढ़ जाती है, और परिवहन की कीमत बढ़ती है तो देश में महंगाई बढ़ जाती है। बेरोजगारी में वृद्धि हो गई भाई, बहुत बड़े स्तर पर बेरोजगारी आई, और सरकार के पास क्योंकि पैसा नहीं था तो उसने अपने खर्चे कम करने के लिए सरकारी कर्मचारियों का वेतन रोक लिया, जो और ज्यादा बड़ी समस्या हो गई। इसी के साथ साथ क्या हुआ, देश में छात्र आंदोलन शुरू हो गए भाई। अब देश में आवश्यक वस्तु की कीमत बढ़ रही थी, मैंने आपको ऊपर बताया कि भाई क्या हो रहा था, महंगाई बढ़ रही थी, यानी कि आवश्यक वस्तुओं की कीमतें बढ़ रही थी, और देश में भ्रष्टाचार भी बढ़ रहा था। इन सब की वजह से जनवरी 1974 में क्या हुआ, आंदोलन शुरू हो गए भाई। तो जो पहली बार आंदोलन शुरू हुआ वो हुआ मार्च 1974 में, कहां पर, बिहार में, ठीक है भाई। और 1974 के मार्च में बिहार में आंदोलन शुरू हो गया। अब इस आंदोलन का नेतृत्व करने के लिए, यानी इस आंदोलन को नेतृत्व देने के लिए, इसकी लीडरशिप करने के लिए किसे बुलाया गया भाई, जयप्रकाश नारायण जी को, यानी कि जेपी नारायण जी, जिन्हें जयप्रकाश नारायण जी बोला जाता है, उन्हें बुलाया गया। उन्होंने आंदोलन का नेतृत्व करने की दो शर्तें रखी। उन्होंने कहा कि भाई अगर मैं आंदोलन का नेतृत्व करूंगा ना तो मेरे को दो चीजें चाहिए आपकी तरफ से। पहली बात तो ये आंदोलन पूरी तरह से अहिंसक रहना चाहिए, कोई भी हिंसा नहीं होनी चाहिए, तोड़ फोड़ लड़ाई दंगे वगैरह कुछ नहीं होना चाहिए। और दूसरी बात जो उन्होंने कही वो ये कही कि भाई आंदोलन सिर्फ बिहार तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि इसे पूरे देश में किया जाना चाहिए, पूरे देश में इसे फैलाया जाना चाहिए। और इस आंदोलन के द्वारा उन्होंने सच्चा लोकतंत्र स्थापित करने की बात कही, यानी उन्होंने कहा कि भाई इस आंदोलन से हम क्या करेंगे, सच्चे लोकतंत्र की स्थापना करेंगे। यानी कांग्रेस के द्वारा जो लोकतांत्रिक व्यवस्था चलाई जा रही है उन्होंने उसको गलत बताया,
और सच्चे लोकतंत्र की स्थापना की मांग की। इसी के साथ साथ क्या हुआ भाई, इसी दौर में देश में नक्सलवादी आंदोलन शुरू हुए। नक्सलवाद क्या होता है, सबसे पहले नक्सलवाद समझते हैं। देखिए नक्सलवाद कुछ ऐसे मार्क्सवादी लोग होते हैं। मार्क्स कौन है भाई, मार्क्स एक विचारक थे, जैसे गांधी जी जो थे, गांधी जी विचारक थे, गांधी जी का जो समर्थन करते हैं उन्हें क्या बोलते हैं भाई, गांधीवादी बोलते हैं। ऐसे ही जो मार्क्स का समर्थन किया करते थे उन्हें क्या बोला जाता था भाई, मार्क्सवादी बोला जाता था। तो इसी दौरान क्या हुआ कि जो कुछ मार्क्सवादी लोग थे उन सब ने, यानी ऐसे जो लोग थे जो कि मार्क्सवाद में विश्वास करते थे, उन्होंने क्या किया, सामने आना शुरू किया। अब वो ऐसे लोग थे जो राजनीतिक प्रणाली और पूंजीवादी व्यवस्था को समाप्त करना चाहते थे। ये वो लोग थे जिन्होंने हिंसा का रास्ता अपनाया। ये क्या करते थे भाई, ये गुरिल्ला युद्ध करते थे। गुरिल्ला युद्ध का मतलब होता है छिपकर हमला करना। ये छिपकर हमला करते थे और जितने भी धनी जमींदार थे, यानी ऐसे जमींदार जिनके पास बहुत सारा जमीन थी, पैसा था, उनसे जमीन वगैरह छीनकर गरीब किसानों को दे दिया करते थे। अब यहां से शुरुआत हुई नक्सलवाद की। तो नक्सली लोग कौन थे भाई, नक्सली लोग वह थे जो धनी जमींदारों से जमीन वगैरह छीन कर किसे दे देते थे, गरीब किसानों को दे देते थे, और उससे क्या करते थे, वो एक तरीके से गरीब किसानों के लिए मसीहा बन जाते थे, पर इसके लिए वो हिंसा का सहारा लेते थे। तो ये सरकार के लिए समस्या हो गई कि जो नक्सली लोग थे वो क्या करने लगे, हिंसा के द्वारा जमींदारों से जमीन छीन कर उन्हें गरीब किसानों को देने लगे। इस वजह से देश में कई जगहों पर हिंसा भी हुई और इन्हीं लोगों को क्या कहा जाता था, नक्सलवादी कहा जाता था भाई। इसी के साथ साथ क्या हुआ भाई, देश में रेल हड़ताल शुरू हो गई। अब 1974 में ही एक व्यक्ति का नाम याद रखना है आपको, जॉर्ज फर्नांडिस। तो जॉर्ज फर्नांडिस के नेतृत्व में जो एक राष्ट्रीय समिति बनी थी उसने क्या किया, देश में रेल हड़ताल शुरू कर दी। तो जॉर्ज फर्नांडिस ने एक राष्ट्रीय समिति बनाई थी और उस राष्ट्रीय समिति ने देश में रेल हड़ताल शुरू कर दी। ये हड़ताल किस लिए की गई भाई, ये हड़ताल की गई सेवा तथा बोनस से जुड़े मुद्दों को लेकर के भाई। सेवा का जो समय काल है उसे बढ़ाया जाना चाहिए, साथ ही साथ रेल के कर्मचारियों का बोनस बढ़ाया जाना चाहिए। तो इस चीज को लेकर क्या हुआ भाई, रेल हड़ताल शुरू हो गई। अब क्योंकि आपको पता है कि हमारे देश में ज्यादातर यात्रा जो की जाती है, सामान एक जगह से दूसरी जगह कहां से, रेल द्वारा ही ले जाया जाता है। तो इस वजह से देश में यातायात की व्यवस्था पूरी तरह से ठप पड़ गई। सरकार द्वारा इनकी मांगों को गलत बताया गया और मांगे स्वीकार करने से मना कर दिया गया, जिस वजह से देश में समस्या और ज्यादा बढ़ गई। यानी इन्होंने जो बोला कि भाई सेवा का समय बढ़ाओ, बोनस बढ़ाओ, तो उन सबको सरकार ने बोला ये गलत बात है, ऐसे थोड़ी होता है, ठीक है, और उन्होंने इसकी बात नहीं मानी। और इस वजह से आंदोलन और ज्यादा तेज हुआ और देश में समस्या और ज्यादा बढ़ गई। इसी के साथ साथ क्या हुआ भाई, इसी के साथ साथ जो उस दौर की हमारी सरकार थी, किसकी सरकार थी भाई, 1971 में किसकी सरकार बनी थी याद है ना आपको, इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी थी, कांग्रेस आर की सरकार बनी थी। किसकी सरकार बनी थी भाई, कांग्रेस आर की सरकार। तो ये जो ये कांग्रेस आर की सरकार थी जिसमें इंदिरा गांधी क्या बनी थी, प्रधानमंत्री बनी थी, इस दौर में क्या हुआ कि भाई इस सरकार और न्यायपालिका यानी जो हमारी जुडिशरी है उसके बीच में और सरकार के बीच में क्या हुआ, कई बार संघर्ष हुआ। हुआ क्या एग्जैक्टली, तो ये देखते हैं हम भाई। सरकार ने संविधान में तीन बदलाव किए। तो सरकार ने मुख्य रूप से संविधान में तीन बदलाव किए। क्या क्या बदलाव किए, देखो पहला तो मौलिक अधिकारों में कुछ कटौती की, दूसरा संपत्ति के अधिकार में थोड़ी सी फेरबदल की, और साथ ही साथ जो हमारे संविधान के नीति निर्देशक सिद्धांत होते हैं उनको मौलिक अधिकारों से ज्यादा शक्ति देने की कोशिश की। पर न्यायालय ने इन तीनों बदलावों को अस्वीकार कर दिया, ठीक है भाई। न्यायालय ने बोला ये तीनों बदलाव नहीं किए जा सकते क्योंकि ये संविधान के ढांचे के खिलाफ है, यानी संविधान के मूल ढांचे का क्या करते हैं, उल्लंघन करते हैं। इसके बाद क्या हुआ भाई, इस वजह से दो मुद्दे सामने आए, यानी दो बातें सामने आई। सरकार ने यह पूछा कि भाई क्या सरकार मौलिक अधिकारों में कटौती कर सकती है और क्या सरकार संपत्ति के अधिकार में फेरबदल कर सकती है। तो इस तरीके से न्यायपालिका और सरकार के बीच संघर्ष शुरू हो गया। सरकार ने कुछ बदलाव किए, न्यायपालिका ने उन्हें ना मंजूरी दे दी। इसके बाद क्या हुआ भाई, इसी बीच सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के चुनाव की बारी आई भाई। अब आपको पता होना चाहिए कि जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है, ठीक है भाई, जिसे हम सर्वोच्च न्यायालय बोलते हैं, सर्वोच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश होता है, ठीक है, उसे मुख्य रूप से किसके द्वारा, सरकार के द्वारा यानी कि राष्ट्रपति के द्वारा चुना जाता है। तो हमेशा से क्या होता था कि जो सबसे सीनियर जज होता था उसी को मुख्य न्यायाधीश बनाया जाता था। पर इस बार सरकार ने क्या किया, तीन सीनियर जज तो थे, कौन कौन से, एक तो J.M. शेल्ट, साथ ही साथ K.S. हेगड़े और A.N. ग्रोवर को नजरअंदाज कर दिया और A.N. रे को सर्वोच्च न्यायालय का जज बना दिया, जिस वजह से क्या किया गया, उनकी आलोचना भी की गई और ऐसा माना गया कि भाई सरकार ने ये बदला लिया है क्योंकि न्यायपालिका ने उनके फैसलों को क्या किया था, रद्द कर दिया था। इस वजह से सरकार ने बदला लेते हुए
जो तीन सीनियर जज थे उनको तो नहीं बनाया मुख्य न्यायाधीश, बल्कि उसकी जगह क्या किया, उनसे जूनियर जो एक जज थे ए एन रे को सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश बना दिया। अब ये जो ये तीनों जज थे ये वही तीनों जज थे जिन्होंने सरकार के खिलाफ फैसला सुनाया था, तो इसी वजह से ऐसा माना गया कि भाई जो सरकार है वो क्या कर रही है, गलत तरीके से न्यायपालिका से बदला लेने की कोशिश कर रही है। इस वजह से सरकार और न्यायपालिका के बीच का संघर्ष और ज्यादा बढ़ गया। इसके अलावा क्या अन्य समस्याएं थी, इसके अलावा अन्य समस्याएं आई भाई इंदिरा गांधी के चुनाव को लेकर। हुआ क्या, अभी से गौर से समझना वरना समझ नहीं आएगा, आराम से शांति से, ठीक है भाई। तो देखो इस दौर में क्या हुआ, एक समाजवादी नेता थे जिनका नाम था राज नारायण। क्या नाम था भाई, राज नारायण। तो एक समाजवादी नेता थे जिनका नाम राज नारायण था, उन्होंने इलाहाबाद के उच्च न्यायालय में यानी कि हाई कोर्ट में इंदिरा गांधी के चुनाव के खिलाफ एक याचिका दायर की, ठीक है भाई, यानी एक पेटिशन फाइल की। किसके खिलाफ भाई, इंदिरा गांधी के चुनाव के खिलाफ। कहां पर फाइल की, इलाहाबाद के हाई कोर्ट यानी कि उच्च न्यायालय में। किसने की, एक समाजवादी नेता राज नारायण ने। उन्होंने कहा कि भाई जो इंदिरा गांधी का चुनाव हुआ है ना वो सही तरीके से नहीं हुआ। तो ये जो ये याचिका थी ये इंदिरा गांधी के चुनाव से संबंधित थी, और इस याचिका में ये कहा गया कि भाई जो इंदिरा गांधी का चुनाव है वो सही तरीके से नहीं हुआ है। तो इस याचिका पर 12 जून 1975 को इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश जगमोहन लाल सिन्हा ने अपना फैसला सुनाया। उन्होंने कहा कि भाई इंदिरा गांधी का जो 1971 का चुनाव हुआ था ना, 1971 का, याद होगा पांचवा आम चुनाव, ठीक है, उस दौर में जो इंदिरा गांधी को चुना गया था उनका चुना जाना असंवैधानिक था। असंवैधानिक मतलब संविधान के विरुद्ध था। ऐसा उन्होंने क्यों कहा, ऐसा उन्होंने इसीलिए कहा क्योंकि उनके ऊपर ये आरोप था, इंदिरा गांधी के ऊपर ये आरोप था कि उन्होंने सरकारी ताकत का गलत प्रयोग किया और अपने पक्ष में वोटिंग करवाकर चुनाव जीता है। और इस वजह से क्या हुआ भाई, अब क्योंकि उनका चुनाव तो क्या हो गया, अवैध घोषित हो गया, और अवैध घोषित होने के बाद अब क्योंकि इंदिरा गांधी सांसद नहीं रही भाई, जब उनका चुनाव ही अवैध घोषित हो गया तो वो सांसद कैसे हो सकती है, और अगर वो सांसद नहीं है तो वो प्रधानमंत्री भी नहीं हो सकती। तो इस वजह से क्या हुआ भाई, अब इंदिरा गांधी के ऊपर तलवार लटकने लगी यानी उनके लिए समस्या हो गई। अब इस चीज को देखते हुए इंदिरा गांधी ने क्या किया भाई, सुप्रीम कोर्ट के अंदर, क्योंकि हाई कोर्ट के बाद कहां पर सुनवाई होती है भाई, सुप्रीम कोर्ट में होती है, तो वो सुप्रीम कोर्ट में चली गई और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली। सुप्रीम कोर्ट में क्या याचिका डाली भाई, सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने कहा कि भाई इसकी पुनर्सुनवाई की जानी चाहिए। अब सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया भाई, इस फैसले पर रोक लगा दी, किस पर, जो सुनाया गया था किसके द्वारा, जगमोहन लाल सिन्हा के द्वारा। और उन्होंने कहा कि भाई इंदिरा गांधी सांसद बनी रहेंगी पर वह मंत्रिमंडल की बैठकों में भाग नहीं ले सकती, ठीक है भाई। तो उन्होंने कहा जब तक इस पर कोई फैसला नहीं हो जाता तब तक इंदिरा गांधी क्या करेंगी, सांसद बनी रहेंगी और मंत्रिमंडल की बैठकों में बस भाग नहीं लेंगी, यानी जो मंत्रियों की बैठक होगी उसमें भाग नहीं लेंगी, बाकी सांसद और प्रधानमंत्री बनी रहेंगी। तो यहां पर इंदिरा गांधी को थोड़ा सा क्या मिला, सुकून मिला, वरना वो क्या होती, प्रधानमंत्री के पद से हट जाती। अब देखते हैं आगे क्या हुआ। अब भाई जब ये सारी समस्याएं सामने आई तो पूरे देश के अंदर देखो, आपको पता है कि आंदोलन तो चल ही रहा था, महंगाई बढ़ रही थी, समस्याएं बढ़ती जा रही थी, तो पूरे देश में जितना भी विपक्ष था वो सब इस्तीफे की मांग करने लगा। किसके इस्तीफे की, इंदिरा गांधी के इस्तीफे की। अब इस पूरी घटना को देखते हुए 25 जून 1975 को जेपी नारायण, याद है भाई जेपी नारायण कौन थे, छात्र आंदोलन के जो नेता थे अभी बताया था, उन जेपी नारायण ने इंदिरा गांधी के इस्तीफे की मांग करनी शुरू कर दी। उन्होंने कहा कि भाई अब तो इंदिरा गांधी को इस्तीफा दे देना चाहिए क्योंकि उनके चुनाव को भी अवैध घोषित कर दिया गया है, ठीक है, तो अब उन्हें खुद आगे आकर इस्तीफा दे देना चाहिए। और इसलिए आंदोलन करने के लिए उन्होंने क्या किया भाई, दिल्ली में रामलीला मैदान है वहां पर एक सत्याग्रह की मांग की, ठीक है भाई। उन्होंने सेना पुलिस और सरकारी कर्मचारियों से कहा कि वह सरकार की बात का पालन करना बंद कर दें, क्योंकि भाई ये सरकार तो खुद ही गलत तरीके से चुनी गई है, इंदिरा गांधी का चुनाव खुद ही गलत तरीके से हुआ है, तो उनकी बात मानने का मतलब ही क्या बनता है। तो इन सब चीजों को देखते हुए उन्होंने अपील की कि जो जितनी भी सेना है, पुलिस है, सरकारी कर्मचारी हैं, सभी सरकार की बात मानना बंद कर दे, ठीक है। अब इसके बाद क्या हुआ भाई, इसके बाद इंदिरा गांधी को लगने लगा कि भाई अब तो समस्याएं बढ़ती जा रही हैं और ऐसे काम चलने वाला नहीं है। तो उन्होंने क्या किया, इन सभी समस्याओं को देखते हुए इंदिरा गांधी ने 25 जून की आधी रात को, कब भाई, 25 जून की आधी रात को, ठीक है भाई, राष्ट्रपति से संविधान के अनुच्छेद 352 को अंदरूनी गड़बड़ी होने की वजह से लागू करने की क्या की, सिफारिश की। समझ नहीं आया होगा, देखो सिंपल सा लॉजिक है। अब भाई इंदिरा गांधी को लगा देखो स्थिति हो गई है खराब, ठीक है, अब तो कुछ होने वाला नहीं है, ठीक है, उधर से आंदोलन हो रहा है, अब तो इस्तीफे की मांग भी होने लगी, और अगर सर्वोच्च न्यायालय ने यह बोल दिया
कि भाई चुनाव गलत तरीके से हुआ था तो सारी कहानी खराब हो जाएगी। तो इसीलिए उन्होंने क्या किया भाई, वो गई राष्ट्रपति के पास, ठीक है भाई, किसके पास गई, राष्ट्रपति के पास, और राष्ट्रपति से बोला कि भाई तुम क्या करो, संविधान का अनुच्छेद 352 लागू कर दो, और 352 अनुच्छेद क्या है इसके बारे में अभी हम बात करेंगे, उस अनुच्छेद को लागू कर दो, यानी कि आपातकाल को लागू कर दो, ठीक है। और ये उन्होंने कब कहा, 25 जून की आधी रात को कहा। तो इंदिरा गांधी ने 25 जून की आधी रात को राष्ट्रपति के पास जाकर बोला कि भाई अब तुम्हें क्या करना पड़ेगा, आपातकाल लगाना पड़ेगा, वरना स्थिति क्या हो जाएगी, खराब हो जाएगी। आखिर आपातकाल है क्या, अब बात आती है 352 था क्या, पहले ये समझते हैं फिर कहानी में और इंटरेस्ट आएगा। तो देखो क्या होता है, जब देश में कोई भी बहुत बड़ी बाहरी अंदरूनी या आर्थिक समस्या आ जाती है, कौन कौन सी याद रखना, बाहरी समस्या यानी कि युद्ध हो जाए, अंदरूनी समस्या यानी कि गृह युद्ध हो जाए, या फिर आर्थिक समस्या आ जाए, भाई सरकार के पास पैसा ना हो, आर्थिक समस्या आ जाए, तो सरकार क्या कर सकती है भाई, संविधान के अनुच्छेद 352 को लागू कर सकती है, और इसे आपातकाल कहते हैं। इसमें होता क्या है, देखो इसमें सारी शक्तियां केंद्र सरकार के पास चली जाती हैं। आपको पता होगा हमारे देश में संघवादी ढांचा है, राज्य की शक्तियां अलग होती हैं और केंद्र की शक्तियां अलग होती है, पर जब आपातकाल लगाया जाता है तो ये सारी शक्तियां किसके हाथ में चली जाती है भाई, केंद्र सरकार के हाथ में चली जाती है, ठीक है। हमारे देश के अंदर तीन तरह के आपातकाल बताए गए हैं। पहला है राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रीय आपातकाल जो पूरे देश में लगाया जाता है, ठीक है। तो इस दौरान क्या होता है, पूरे देश की सारी व्यवस्था केंद्र सरकार के हाथों में आ जाती है, और ये तब लगाया जाता है जब देश को बाहरी युद्ध का खतरा होता है या फिर देश में अंदरूनी गड़बड़ी यानी कि गृह युद्ध की स्थिति होती है। दूसरा है भाई राष्ट्रपति शासन, राष्ट्रपति शासन किसी राज्य में लगाया जाता है, देखो पूरे देश में जो लगाया जाता है वो राष्ट्रव्यापी है, और जो सिर्फ एक राज्य में लगाया जाता है उसे राष्ट्रपति शासन बोलते हैं, ठीक है। मैंने आपको बताया था 5वें चैप्टर के अंदर कि भाई जब दूसरे आम चुनाव के अंदर केरल की सरकार जीती थी, ठीक है भाई, केरल में सीपीआई की सरकार बनी थी, सॉरी केरल में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की सरकार बनी थी, तो उस दौर में केंद्र सरकार ने क्या किया था भाई, उस सरकार को गिरा दिया था। कैसे गिराया था, राष्ट्रपति शासन के द्वारा, यानी उन्होंने कहा कि भाई आपके राज्य में स्थिति खराब है, तो इसीलिए उन्होंने क्या किया, वहां पर राष्ट्रपति शासन को लागू कर दिया और उस सरकार को क्या किया, गिरा दिया। तीसरा आपातकाल होता है आर्थिक आपातकाल, जब देश की आर्थिक स्थिति खराब हो जाए तो इसे लगाया जाता है, ठीक है भाई। तो भाई इंदिरा गांधी गई राष्ट्रपति के पास और बोला कि चलो आपातकाल लगा दो क्योंकि स्थिति हो गई है खराब, तो उन्होंने क्या किया, राष्ट्रव्यापी आपातकाल लगा दिया। क्या किया भाई, राष्ट्रव्यापी आपातकाल लगा दिया, यानी पूरे देश में आपातकाल लगा दिया, और राष्ट्रपति ने क्या किया भाई, आपातकाल की घोषणा कर दी। अब सारी शक्ति किसके हाथ में आ गई, केंद्र सरकार के हाथ में, सब कुछ कौन करेगा, केंद्र सरकार करेगी। तो देखते हैं भाई केंद्र सरकार ने यानी कि इंदिरा गांधी की सरकार ने आखिर क्या किया। तो आपातकाल के दौरान क्या हुआ भाई, अब आपातकाल लग गया देश के अंदर, 25 जून को सभी लोग सुकून से सोए थे, 26 जून को जब उठे तो उन्हें पता चला कि भाई आपातकाल लग गया है। सबसे पहला काम जो किया गया भाई, जितने भी विपक्षी नेता थे सबको उठाकर जेल में डाल दिया, ठीक है, क्यों, क्योंकि ऐसा कहा गया कि भाई ये क्या करेंगे, गड़बड़ी फैलाएंगे, देश में समस्या पैदा करेंगे। प्रेस पर सेंसरशिप लगा दी गई, सेंसरशिप का मतलब क्या होता है, प्रेस का मतलब क्या होता है, प्रेस का मतलब मीडिया, मीडिया यानी हमारा जो न्यूज चैनल वगैरह होते हैं या जो अखबार वगैरह छापते हैं, पत्रिकाएं वगैरह छापते हैं, ठीक है भाई, न्यूज से रिलेटेड, उन सब पर सेंसरशिप लगा दी। सेंसरशिप होती क्या है, तो प्रेस पर सेंसरशिप का मतलब होता है कि प्रेस यानी अखबारों द्वारा छापी जा रही और न्यूज चैनलों द्वारा दिखाई जा रही खबरों की जांच करना, ठीक है भाई। इस स्थिति में कोई भी खबर सरकार की आज्ञा के बिना छापी या दिखाई नहीं जा सकती, यानी मेनली ये होता है कि भाई जो भी छापा जाएगा अखबार में या टीवी पर दिखाया जाएगा उन सब की जांच पहले सरकार करेगी कि भाई वो दिखाने योग्य है या नहीं है, और उसी के बाद उसे छापा जाएगा या फिर दिखाया जाएगा। तो इस तरीके से प्रेस पर सेंसरशिप लगा दी, यानी सरकार की आज्ञा के बिना कुछ भी छापा या दिखाया नहीं जा सकता था। अब बात आती है ऐसा किया क्यों जाता है, ऐसा इसीलिए किया जाता है ताकि कोई ऐसी खबर ना दिखा दी जाए जिसकी वजह से क्या हो, समस्या हो। तो इसका मुख्य उद्देश्य होता है कि देश में शांति बनी रहे और कोई ऐसी खबर बाहर ना आए जिससे क्या हो, देश के अंदर अशांति आए, ठीक है भाई। इसी के साथ साथ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि आरएसएस और साथ ही साथ जमाते इस्लामी पर प्रतिबंध लगा दिया भाई, धरना प्रदर्शन और हड़तालों पर रोक लगा दिया, यानी ना कोई धरना कर सकता था, ना कोई प्रदर्शन कर सकता था, ना कोई हड़ताल कर सकता था, और देश की जनता के मौलिक अधिकारों को उनसे छीन लिया गया। मौलिक अधिकार यानी स्वतंत्रता का अधिकार के कुछ, यानी स्वतंत्रता के अधिकार के जो कुछ पार्ट है उसे क्या कर दिया जाता है, निलंबित कर दिया जाता है। जैसे सरकार किसी व्यक्ति को घर से बाहर आने से रोक सकती है, किसी विशेष स्थान पर जाने से रोक सकती है, तो इन सब चीजों को क्या किया गया, लागू किया गया।
इसी के साथ साथ निवारक नजरबंदी कानून के तहत लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। भाई सवाल आता है, सर ये बताओ निवारक नजरबंदी क्या होती है? निवारक नजरबंदी का मतलब होता है एक ऐसी व्यवस्था जिसके अंतर्गत किसी व्यक्ति को सिर्फ इसी वजह से गिरफ्तार कर लिया जाता है कि भाई ये अपेक्षा होती है कि वो आगे जाकर कोई दिक्कत कर सकता है। मान लीजिए सरकार को लगता है कि कोई ए नाम का व्यक्ति है और वो आगे जाकर समस्या पैदा कर सकता है, तो सरकार क्या करेगी, इसे गिरफ्तार कर लेगी। किसके अंतर्गत? निवारक नजरबंदी के अंतर्गत, ताकि आगे जाकर क्यों ना करे, कोई समस्या पैदा ना करे, कोई आंदोलन हमला या फिर कोई ऐसे दंगे वगैरह ना करे। तो इस निवारक नजरबंदी के तहत किसी भी व्यक्ति पर शक होने पर पुलिस उसे गिरफ्तार कर सकती है और वह व्यक्ति इस गिरफ्तारी का विरोध भी नहीं कर सकता। तो ऐसे निवारक नजरबंदी के आधार पर बहुत सारे लोगों को सरकार ने क्या किया, गिरफ्तार करवाया। और साथ ही साथ सरकार ने किया संविधान का 42वां संशोधन। कब किया भाई? 1976 में। ये याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई। इसी दौर में यानी आपातकाल के दौर में संविधान का 42वां संशोधन किया गया जो 1976 में हुआ था। क्या हुआ इस संशोधन में? संशोधन मतलब समझते हो ना भाई सब, संवैधानिक संशोधन का मतलब है कि संविधान में क्या किया गया, बदलाव किया गया। तो आपातकाल के दौरान 1976 में संविधान में 42वां संशोधन किया गया और इसमें दो बड़े बदलाव किए गए। पहला तो बोला गया कि भाई प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पद को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। ठीक है भाई, क्या बोला गया? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पद को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। अब सवाल आता है ऐसा क्यों किया? ऐसा इसीलिए किया क्योंकि आपको याद होगा ना भाई कि इंदिरा गांधी के पद को चुनौती दी गई थी कि भाई आपका चुनाव कैसे हुआ है, गलत तरीके से हुआ है। इसी वजह से इंदिरा गांधी ने सारी दिक्कत ही खत्म कर दी, उन्होंने संविधान में ये लिखवा दिया कि भाई इनके पदों को चुनौती नहीं दी जा सकती। ठीक है, तो यानी जो उनकी पहली समस्या थी वो खत्म हो गई। दूसरा उन्होंने क्या किया? दूसरा उन्होंने किया कि विधायिका के कार्यकाल को 5 साल से बढ़ाकर 6 साल कर दिया। यानी पहले हर 5 साल बाद चुनाव होते थे और अब कब कर दिया कि भाई हर 6 साल बाद चुनाव होंगे। अब बात आती है उन्होंने ऐसा क्यों किया? उन्होंने ऐसा इसीलिए किया क्योंकि अगर आप एक बार लॉजिक लगाएं तो आपको रियलाइज होगा कि 1971 में चुनाव हुए थे और इस हिसाब से 1976 में चुनाव होने चाहिए थे, पर 1976 में आपातकाल चल रहा था। ठीक है भाई, और आपातकाल चल रहा था इस वजह से चुनाव नहीं करवाए जा सकते थे और वो आपातकाल को खत्म नहीं करना चाहते थे। तो इस वजह से उन्होंने क्या किया भाई, संशोधन कर दिया कि 5 साल से 6 साल तक शासन चलेगा। अब 6 साल शासन चलता तो 1977 में आराम से चुनाव करवाए जा सकते थे। तो ये क्या किए, ये संशोधन किए उन्होंने दो। ये अब तक का सबसे विवादास्पद संशोधन था किसका भाई? हमारे संविधान का जो सबसे विवादास्पद संशोधन था वो कौन सा है? यही वाला है 1976 का। अब भाई यहां पर बात आई कि आपातकाल चल रहा था। अब इसमें दो लोग थे, कुछ लोग तो ऐसे थे जिन्होंने आपातकाल का समर्थन किया। हमने ये पढ़ लिया आपातकाल क्यों लगा, ये भी पढ़ लिया कि आपातकाल के दौरान क्या हुआ। बात आती है भाई लोगों को आपातकाल अच्छा लगा या बुरा लगा। तो कुछ लोगों का मानना था कि भाई आपातकाल लगाया जाना सही था, जबकि कुछ अन्य लोगों का मानना था कि आपातकाल लगाया जाना गलत था। तो जो आपातकाल के पक्ष में थे उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा भाई आपातकाल लगाना जरूरी था। क्यों? क्योंकि पहली बार तो जो बार बार धरना प्रदर्शन हो रहे थे, आंदोलन हो रहे थे, उसकी वजह से सरकार को काम करने में दिक्कत हो रही थी। दूसरा उन्होंने कहा कि भाई जो विरोधी थे ना वो इंदिरा गांधी को हटाने के लिए गैर संसदीय रास्ता अपना रहे थे। यानी उन्होंने कहा कि भाई जो विरोधी लोग थे वो चुनाव तो जीत नहीं पाए इंदिरा गांधी से, तो वो गलत तरीके से यानी कोर्ट में केस वगैरह कर इंदिरा को हटाने के लिए कोशिश कर रहे थे। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि भाई ये जो बार बार धरना प्रदर्शन वगैरह हो रहे थे ना, इन सबकी वजह से सरकार का ध्यान जो मुख्य मुद्दे हैं, विकास के मुद्दे हैं, उनसे हट रहा था। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि भाई जो देश को तोड़ने के लिए एक साजिश की जा रही है सब आंदोलन वगैरह करवा के, ताकि देश टूट जाए, टुकड़ों टुकड़ों में बट जाए, इसीलिए आपातकाल जरूरी है। और जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया थी, ये याद रखना भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अभी आगे पूछूंगा और आगे ये लिंक भी होगा। तो जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया थी उसने भी इस आपातकाल का क्या किया, समर्थन किया। यहां तक हमें क्लियर हो गया, ये थे जिन्होंने पक्ष में बोला। अब कुछ ऐसे भी लोग थे जिन्होंने कहा नहीं यार आपातकाल लगाया जाना ना गलत था। उन्होंने क्या कहा, तो जो विपक्ष में थे यानी जिन्होंने ये कहा कि आपातकाल लगाना गलत था, उन्होंने कहा कि भाई लोकतंत्र के अंदर जनता को विरोध करने का अधिकार होता है और सरकार ऐसे आपातकाल लगाकर जनता के विरोध करने का अधिकार उनसे छीन रही है, जो कि बिल्कुल गलत है। दूसरा उन्होंने कहा कि भाई जितने भी आंदोलनकारी थे किसी में कोई हिंसा तो हुई नहीं, तो इस तरीके के विरोध प्रदर्शनों को रोकना बिल्कुल सही नहीं है। जब हिंसा नहीं हुई तो देश को खतरा कैसा, और देश को खतरा नहीं है तो आपातकाल किस बात का। तो इस वजह से जब कोई हिंसा नहीं हुई तो इस तरीके से आपातकाल लगाया जाना गलत था। साथ ही साथ गृह मंत्रालय, गृह मंत्रालय क्या है भाई, हमारे देश की होम मिनिस्ट्री,
होम मिनिस्ट्री क्या करती है, होम मिनिस्ट्री देश में कानून व्यवस्था को देखती है। तो होम मिनिस्ट्री ने भी ऐसा कुछ नहीं कहा था कि भाई कानून व्यवस्था खराब हो रही है या कोई समस्या है। जब उन्होंने नहीं कहा तो अंदरूनी गड़बड़ी कैसे हो सकती है भाई, तो इस बात पर आपातकाल लगाया जाना गलत था। तो इस तरीके से लोगों ने कहा कि भाई आपातकाल का प्रयोग इंदिरा गांधी ने सिर्फ अपने फायदे के लिए किया ताकि वो अपनी सीट को बचा सके और विपक्ष का मुंह बंद कर सके। तो ये हमें दोनों पक्ष पता चल गए। अब असली बात आती है कि आपातकाल लगाए जाने के कारण क्या थे। तो देखो मैंने आपको अभी ऊपर ही बताया था भाई, खराब आर्थिक स्थिति थी देश की, छात्र आंदोलन होने लगे थे बिहार के अंदर, जिसका नेतृत्व कौन कर रहे थे भाई, फटाफट से बताओ चैट सेशन में कौन कर रहा था नेतृत्व। साथ ही साथ देश में नक्सलवादी आंदोलन चल रहे थे, तो नक्सलवादी आंदोलन के अंतर्गत क्या था भाई, उसकी समस्या। साथ ही साथ देश में रेल हड़ताल चल रही थी और सरकार और न्यायपालिका के बीच जो संघर्ष चल रहा था, इन सब की वजह से आपातकाल को लगाया गया। न्यायपालिका से संघर्ष में मैंने आपको दो चीजें बताई थी, पहला जो सरकार ने बदलाव किए थे भाई, ठीक है, न्यायपालिका ने उन्हें ठुकरा दिया, और दूसरा क्या बताया था भाई कि जो इंदिरा गांधी के चुनाव को चुनौती दी गई थी। ये सब याद रखना है आपको, ठीक है भाई। तो आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा सभी को। सेकंड पार्ट जरूर देखना भाई, सेकंड पार्ट देखने के बाद आपको सारी चीजें क्लियर होंगी, ठीक है भाई। इसके बाद ये आपको कहां तक, हमने पांच आम चुनाव पढ़ लिए थे, इसके बाद छठा और सातवां आम चुनाव पढ़ लेंगे और आपको सब क्लियर हो जाएगा, ठीक है भाई। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना पर्सनल इंटरेक्शन और अपडेट्स के लिए, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना चैनल को, ऐसी बहुत सारी वीडियोस रेगुलरली लाते रहते हैं हम। और वीडियो को लाइक जरूर कर देना भाई, क्योंकि आपका एक लाइक हमें मोटिवेशन देता है ऐसी बहुत सारी वीडियोस बनाने के लिए। थैंक यू वेरी मच एवरीवन, थैंक्स अ लॉट।